दोस्तों आप अपने YouTube चैनल का सब्सक्राइबर लाइव काउंट करना चाहते हो कि एक मिनट में आपका सब्सक्राइबर कितना बढ़ रहा है, अगर आप उसे गिनना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से गिन पाओगे दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इस वीडियो में मैं आप सभी को सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे आप अपने सब्सक्राइबर को लाइव गिन पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र में अपना जो आपका जो यूट्यूब चैनल है उसे डेस्कटॉप साइड में ऑन कर लेना है। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ऑन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ऑन कर लेता हूँ, और क्रोम ब्राउज़र ऑन करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च बार में आप सभी को सर्च कर देना है YouTube.com। ठीक है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ YouTube.com लिख दिया हूँ। आप सभी को इसी प्रकार से लिखना है, देख सकते हो, कहीं भी स्पेस नहीं देना है, YouTube.com साथ में ही देना है। ठीक है दोस्तों, स्पेस कहीं नहीं है, उसके बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आप सभी को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, या फिर आपके जो फ़ोन में है डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, तो इस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। देख सकते हो अभी डेस्कटॉप साइड में है, तो आप सभी को कुछ इस प्रकार से ऑन होगा आपके फ़ोन में। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ऑन होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, 3 डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, और यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइड ऑन कर लेना। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइड मैंने ऑन कर दिया है। इसी प्रकार से डेस्कटॉप साइड आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पे जो है आपका आपके जो चैनल का लोगो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे चैनल का लोगो देखने को मिलेगा, या फिर आपके जो भी जीमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन होगा वो जीमेल आईडी का लोगो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो अगर आपका चैनल यहाँ पे रहेगा तो ठीक है, अगर चैनल नहीं रहेगा तो यहाँ पे स्विच अकाउंट करके आपको अपना चैनल जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे स्विच अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा अभी 3 चैनल है, तो तीनों में जो भी चैनल को मैं आपको दिखाऊंगा वही चैनल सेलेक्ट है। तो आपको जो चैनल को सेलेक्ट करना होगा वो कर लेना। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इसी पे दिखाऊंगा, उस पर क्लिक कर लेना। जिस भी चैनल को आपको लाइव काउंट करना होगा सब्सक्राइबर, उस चैनल को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में वहाँ पे फिर से चैनल वाले लोगों पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूर चैनल के नाम से, यूर चैनल पर क्लिक करना। ठीक है दोस्तों, यूर चैनल पर जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें आप सभी को क्या करना है, एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे तो कस्टमाइज चैनल का, कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। और कस्टमाइज चैनल पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो चैनल होगा वो YT स्टूडियो में ऑन हो जाएगा डेस्कटॉप साइड में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑन होने देते हैं हम अपना चैनल को YT स्टूडियो में डेस्कटॉप साइड में। यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा लोगों के नीचे, देख सकते हो, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप, तो आपका चैनल इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आप लाइव सब्सक्राइबर को काउंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एनालिटिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो एनालिटिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और एनालिटिक वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके चैनल का कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो इसमें आपको यहाँ पे साइड में, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, ऑप्शन देखने को मिलेगा आप सभी को, देख सकते हो रियल टाइम, और रियल टाइम के नीचे यहाँ पे देख सकते हो 1463 सब्सक्राइबर सी लाइव काउंट, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सब्सक्राइबर सी लाइव काउंट। तो इस पर सी लाइव काउंट पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो सब्सक्राइबर होगा यहाँ पे आ जाएगा लाइव, सी लाइव, यहाँ से एक मिनट में कितना बढ़ रहा है, और उसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, और देखना चाहते हो देख भी सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका एक मिनट में कितना सब्सक्राइबर बढ़ रहा है इसी प्रकार से। तो आई होप कि वीडियो में जो आप सभी को बताया हूँ जरूर से समझ में आ गया होगा, और कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। और वीडियो से हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर से ऑन करना, ताकि आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा दोस्तों। और हमारे चैनल पर इसी प्रकार का यूजफुल कॉन्टेंट आप सभी को देखने को मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।